हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है ओपन वाटर। ये एक हॉरर और थ्रिलर से भरी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDB पे 5.8 की रेटिंग मिली है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां हम व्यूवर्स को एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम डैनियल केंटनर और सुजैन वटकिंस होता है। दोनों की शादीशुदा लाइफ कुछ खास ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि दोनों अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते थे। खास करके सुजैन अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती थी, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ टाइम के लिए वैकेशन पर जाएंगे, ताकि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। इसके बाद वो दोनों अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सुजैन एक कैमरा भी खरीदती है ताकि उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद वो लोग वहां पर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बीच पर टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। लेकिन फिर बीच बीच में वो लोग अपने अपने काम को लेकर फोन्स और ईमेल्स को चेक भी करते रहते हैं और फिर वो दोनों एक बार फिर डिसाइड करते हैं क्या वो दोनों फोन और ईमेल को नहीं चेक करेंगे और सिर्फ वैकेशन को एंजॉय करेंगे। अगले दिन वो दोनों स्क्यूबा डाइविंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर डेविस नाम का आदमी अपने क्रू मेंबर लीडा और जूनियर के साथ इन्हें स्क्यूबा डाइविंग करवाने वाला था। टोटल 20 लोगों का ग्रुप था जिन्हें डेविस समुद्र के बीच ले जाता है और उन लोगों को सभी इंस्ट्रक्शंस बता दिए जाते हैं कि कैसे उन्हें सब कुछ करना है और डेविस उनके साथ ही पानी में मौजूद रहेगा। वहीं लीडा ऊपर से नजर रखेगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। वहीं जूनियर इस बात का ध्यान रखेगा कि कितने लोग पानी में हैं और कितने लोग वापस आ चुके हैं। तभी पता चलता है कि सेठ नाम का आदमी अपना मास्क लेना भूल गया था और किसी के पास एक्स्ट्रा मास्क नहीं था, इसीलिए वो पानी में नहीं जा सकता था। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने सूट पहनकर बारी बारी से पानी में कूद जाते हैं। यहाँ जूनियर ने किसी के भी नाम नहीं लिखे थे, बस सबको गिन लिया था कि कितने आदमी स्क्यूबा डाइविंग के लिए आए थे, क्योंकि ये उनका रोज का काम होता है, इसीलिए रोज सभी के नाम लिखना और उसे याद रखना बहुत मुश्किल था। अभी टाइम होता है सुबह का 9:45 और सभी लोग समुन्दर की गहराई में चले जाते हैं। इसके बाद डैनियल सुजैन को बाकी ग्रुप से अलग ले जाता है ताकि सुजैन आराम से इस पल को एंजॉय कर सके। कुछ देर बाद एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की काफी थक गई थी, इसलिए अब वो आराम करना चाह रही थी। जूनियर यहाँ तीन लोगों को नोट कर लेता है जिसमें एक सेठ था, बाकी के दो लोग वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। उस लड़की से सेठ उसका मास्क मांग लेता है ताकि वो भी स्क्यूबा डाइविंग के मजे ले सके। इसके बाद सेठ और उस लड़की का बॉयफ्रेंड दोनों पानी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग एक एक करके पानी से बाहर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इन लोगों का वापस जाने का टाइम हो गया था। यहाँ जूनियर डैनियल और सुजैन की जगह उस लड़की का बॉयफ्रेंड और सेठ को वापस से काउंट कर लेता है, जिस कारण डेविस को लगता है कि सभी 20 लोग बोट पर वापस आ चुके हैं। और फिर वो सभी लोग वापस चले जाते हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि डैनियल और सुजैन पीछे ही रह गए थे। जब वो दोनों पानी के ऊपर आते हैं तो उन्हें बोट नहीं मिलती है, क्योंकि बोट तो पहले ही जा चुकी थी। सुजैन डैनियल से पूछती है कि क्या हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए, जिस पर डैनियल पानी में देखता है, क्योंकि जब वो पानी में उतरे थे तब उसने समुन्दर के तल में कुछ चीजों को मार्क कर दिया था ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्होंने कहां से शुरू किया था। इसके बाद वो सुजैन को बताता है कि हम लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। और फिर इन दोनों को समझ आ जाता है कि वो लोग गलती से इन्हें वहीं छोड़कर चले गए हैं। अब डैनियल शांति से काम लेता है और सुजैन को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे यकीन है कि उन्हें हमारे बारे में जल्द ही रियलाइज हो जाएगा और वो हमें लेने वापस आ जाएंगे। लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी कुछ नहीं होता और जब सुजैन पानी के नीचे चेक करती है तो उसे पानी के नीचे कोई पत्थर नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ये था कि ये भले ही तैर नहीं रहे हों, लेकिन पानी की लहरें उन्हें उस जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। दूसरी तरफ बोट किनारे तक पहुंच गई थी और उनमें से किसी को भी डैनियल और सुजैन के बारे में याद नहीं था। इधर इन दोनों को एक बड़ी मछली दिखाई देती है, जिसे देखकर सुजैन कहती है कहीं ये शार्क तो नहीं, लेकिन डैनियल कहता है कि शायद वो कोई डॉल्फिन होगी। यही एक अच्छी बात थी कि इतनी खराब सिचुएशन में भी डैनियल बहुत समझदारी से काम ले रहा था और साथ ही सुजैन को भी पैनिक नहीं होने दे रहा था। अब टाइम 1:30 हो जाता है और अब तक वो दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाकर इंतजार कर रहे थे बोट के वापस आने का, लेकिन अब तक कोई भी बोट वहां पर नहीं आई थी। तभी अचानक उन दोनों को
अपनी बॉडी पर कुछ चुभने जैसा फील होता है और फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कुछ छोटी छोटी जेलीफिश आ गई थी जिस कारण उन्हें दिक्कत हो रही थी और इसके बाद वो लोग तैर कर थोड़ा दूर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उन्हें कोई नहीं लेने आएगा और वो लोग ऐसे ही फंसे रह जाएंगे, लेकिन डैनियल उसे शांत करता है। तभी उन्हें दूर एक बोट दिखाई देती है जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने हाथों को उठाकर इशारे करते हैं, लेकिन वो बोट उनसे बहुत दूर थी इसलिए वो लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद वो दोनों अपने ग्लासेस को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि शायद इससे उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि धूप इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर कुछ देर बाद वो बोट भी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद ये दोनों एक बार फिर निराश हो जाते हैं। इसके बाद सुजैन कहती है कि शायद उन लोगों को अब तक हमारे बारे में पता नहीं चला है और इसलिए कोई भी हमें लेने नहीं आया, जिस पर डैनियल कहता है कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद ही सही, उन्हें हमारे बारे में जरूर ही पता चलेगा क्योंकि हमारा सामान बोट पर ही है। सुजैन इतने घंटों से पानी में रहकर थक गई थी, जिस पर डैनियल एक आइडिया निकालता है और कहता है कि हमें भारी चीज निकाल देनी चाहिए ताकि हम हल्का महसूस कर सके, और फिर दोनों अपने बिना काम के चीजों को गिरा देते हैं। इसके बाद सुजैन आराम करने के लिए अपने दोनों पैर हल्के करके ऊपर कर लेती है और डैनियल उसे पकड़ लेता है। अब टाइम हो जाता है 4:40 और जब सुजैन सो रही थी तो एक छोटी शार्क आकर उसे बाइट करती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और तब वो नोटिस करती है कि डैनियल उसके पास नहीं था और फिर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि वो उससे काफी दूर निकल गया था क्योंकि उसे भी नींद आ गई थी जिस कारण वो दोनों अलग हो गए थे और फिर दोनों जल्दी से तैरते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कुछ देर बाद सुजैन को अपने पैर पर कुछ काटने जैसा फील होता है और जब डैनियल देखता है तो उसे पता चलता है कि शार्क के काटने के कारण उसके पैर में घाव हो गया था और छोटी मछलियां उस घाव को खा रही थी। अब ये चीज इनके लिए ठीक नहीं थी क्योंकि शार्क खून की तरफ अट्रैक्ट होती है और अगर ये घाव ऐसे ही खुला रहता है तो शार्क इनके पास आ सकती थी। वहीं सुजैन को भी इससे इन्फेक्शन हो सकता था क्योंकि वो लोग समुन्दर में थे और यहाँ का पानी पहले से ही खारा था। तभी इनके पास एक शार्क आती है जिससे दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो शार्क इन्हें बहुत करीब से छूकर निकल जाती है और अब इन्हें ये अंदाजा हो गया है कि वो लोग खतरे के कितने नजदीक आ गए हैं क्योंकि अगर वो घाव ऐसे ही खुला रहा तो और भी शार्क इनके पास आ सकती हैं। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब डैनियल भी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि कोई कैसे इन्हें छोड़कर जा सकता है और वो चिल्लाकर अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालता है। इसके बाद दोनों में बहस भी हो जाती है और सुजैन डैनियल को ब्लेम करते हुए कहती है कि अगर हम ग्रुप के साथ ही रहते तो ऐसा कुछ नहीं होता और हम उन लोगों के साथ वापस भी चले गए होते, जिस पर डैनियल कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे लेट होने के कारण वो लोग हमें यहाँ छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद डैनियल भी सुजैन पर ब्लेम करते हुए कहता है कि अगर तुम अपने काम में इतनी बिजी नहीं होती तो हमें ये वैकेशन प्लान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अभी हम लोग अपने घर पर ही होते, और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोनों समझदारी दिखाते हैं और अपनी अपनी गलती मानकर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। फिर कुछ देर बाद इन्हें एक जॉइंट क्रू शिप दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों उसकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर वो दोनों तैर कर उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिप जितना पास लग रहा था उससे बहुत ज्यादा दूर था और उस तक तैर कर पहुँचना नामुमकिन था, और फिर देखते देखते वो शिप भी कहीं गायब हो जाता है। अब टाइम 6:45 हो चुके थे और उन्हें एक और छोटी शिप दिखाई देती है, लेकिन फिर वो भी उनसे दूर चली जाती है। इसके बाद सुजैन को याद आता है कि उसके पास कुछ टॉफीज थे और अब ये टॉफीज इन लोगों के लिए कोई अमृत से कम नहीं थी क्योंकि इनका गला भी सूख रहा था और इन टॉफीज से इन्हें कुछ राहत मिलती है। इसके बाद एक शार्क डैनियल के पैर पर हमला करती है और जब तक वो दोनों संभल पाते शार्क उस पर दोबारा हमला करती है और इस बार के हमले में डैनियल को चोट लग जाती है और उसका काफी खून बह गया था। फिर वो शार्क वहाँ से चली जाती है। सुजैन जब डैनियल का घाव चेक करती है तो वो देखती है कि शार्क ने डैनियल के पैर को बुरी तरह से काट दिया है और फिर सुजैन बेल्ट से उसके पैर को टाइट बांध देती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और देखते देखते रात भी हो जाती है और अब रात के 11 जाते हैं और साथ में मौसम भी खराब था और आसमान में बादल गरज रहे थे और डैनियल को अपने पैर में बहुत दर्द हो रहा था और उसका पैर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा था। उस पर शार्क एक बार फिर से हमला करती है और अब दोनों को समझ आ जाता है कि अब वो दोनों ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाले थे क्योंकि अंधेरे के कारण वो देख भी नहीं पा रहे थे कि शार्क कहां से हमला कर रही है। और फिर वो रात डैनियल के दर्द और सुजैन के रोते हुए गुजर जाती है। अगले दिन जब डेविस अपने काम पर जा रहा था तो उसे डैनियल और सुजैन का बैग मिलता है जिसमें उनका आइडेंटिटी कार्ड भी था। तब उसे याद आता है
कि जाते टाइम वो लोग बोट पर थे, लेकिन वापस आते टाइम उसने उन लोगों को नहीं देखा था। और फिर वो समझ जाता है कि वो दोनों पीछे छूट गए हैं। और इसके बाद 8:55 पर एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें प्लेन और हेलीकॉप्टर को डैनियल और सुजैन को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। वहीं बहुत सारी बोट्स को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढा जा सके। दूसरी तरफ हम व्यूवर्स देखते हैं कि डैनियल की मौत हो चुकी थी। शार्क के हमले के कारण उसका बहुत सारा खून निकल गया था और इसी कारण उसकी मौत हो गई थी। सुजैन कुछ देर तक तो उसकी बॉडी को पकड़ कर रखती है, लेकिन फिर आखिरी गुड बाय कहकर उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को उसकी बॉडी से अलग कर उसे छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक शार्क आती है और डैनियल की बॉडी को पानी में खींच कर ले जाती है। इसके अलावा सुजैन के आसपास बहुत सारी शार्क्स घूम रही थी और सुजैन को पता था कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद शार्क्स उस पर भी हमला करेंगी। वहीं रेस्क्यू टीम उन्हें अभी भी ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें सुजैन नहीं मिलती है क्योंकि सुजैन उनसे बहुत दूर निकल चुकी थी। इधर सुजैन हार मान लेती है और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को निकाल कर पानी के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम व्यूवर्स को मूवी के एंड में बताया जाता है कि कुछ मछुआरों ने एक शार्क पकड़ी थी और जब वो लोग उस शार्क के पेट को चीरने लगते हैं तो उन्हें मछलियों के साथ साथ एक कैमरा भी मिलता है, जो किसी और का नहीं बल्कि सुजैन का था, जिसमें अब तक की सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोज के लिए।